Chief Minister Ashok Gehlot has filed his nomination from the Sadarpura constituency for the upcoming Rajasthan Vidhan Sabha polls. So, of course, the latest that we're tracking for all our viewers on the broadcast. Remember, viewers, the Rajasthan polls are slated to take place very soon. That is on the 23rd November. Let's, in fact, listen in to what CM Gehlot had to say after filing his nomination. पिछला राज्य है, यही पहचान थी इसकी। पहचान चेंज हो गई है। अब हमारे यहाँ शिक्षा की संस्थाएं एम्स, आईआईटी, आईएम, ट्रिपल आईटी, आर यूनिवर्सिटी सारी आप कल्पना के लिए 100 यूनिवर्सिटी बन गई राजस्थान के अंदर। पहली बार में मुख्यमंत्री था तो 6 थी, 100 बन गई है। कॉलेजेस आज हमने 29 खोल दी है, अभी 5 साल में 76 साल में खुली 250। अनेक उदाहरण ऐसे हैं जो कि पहचान अलग करते हैं राजस्थान की देश से अलावा। ग्रामीण ओलंपिक, ग्रामीण ओलंपिक इतनी हो, 30 लाख लोग, 30 लाख लोगों को खिलवा दिया हम लोगों ने गांव गांव के अंदर, फिर 60 लाख लोग हो गए, दादा पोता साथ खेल लिए, माहौल बना दिया खेलों का, हर क्षेत्र में नवाचार किया और तो कामयाब हो रहे हैं। जनता से क्या अपेक्षा कर रहे हैं? हम अपना जो है धर्म निभाया है, प्रथम सेवक के रूप में जो मुझे अवसर मिला तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का, ये जोधपुर से मैंने सब कुछ सीखा है, जोधपुर जिले से गांव गांव में शहर में इतना घुमा हूं मैं, जब मैं मेंबर पार्लियामेंट था तब जो मैंने सीखा अनुभव प्राप्त किया वो अनुभव मेरे पूरे राजस्थान की सेवा करने को काम आया। कभी बीजेपी में अब जनता पे है वो क्या फैसला दे, माई बाप जनता ही होती है। बागियों के लिए क्या कहेंगे सर आप? और मेरा मानना है कि इस बार लगता ऐसा है जनता का मूड विशेष रूप से गांवों के अंदर भी ढाणियों तक में ये माहौल है, शहरों माहौल है कि इस बार सरकार रिपीट हो सकती है। 156 सीट का सर जो टारगेट था, सरकार रिपीट होने जा रही है, ये कमेंट सुनते हैं लगता है सरकार वापस रिपीट हो सकती है। एक बार कल मैंने कहा था आपको, कल मैंने कहा था केरला के अंदर मैं गया चुनाव में, 76 साल से लगातार वहां पर वन बाय वन सरकार बदलती थी, सिर्फ और सिर्फ कोरोना के मैनेजमेंट के कारण से वहां की जनता ने सरकार रिपीट कर दी। अगर वहां की जनता ने कोरोना के मैनेजमेंट में कर दी तो हमारा मैनेजमेंट और शानदार बेहतर था। WHO तो तारीफ करी भीलवाड़ा मॉडल की, तो क्यों नहीं हम उम्मीद करें जनता से कि जब केरला में सरकार 70 साल के बाद में रिपीट हो सकती है, यहां तो हमने एक के बाद एक स्कीम दी है, सब एक टिप पर है, गारंटी दे रहे हैं, तो क्यों नहीं रिपीट होगी हमारी सरकार। डीवीआई चुनाव में कार्रवाइयां खूब हुई इस चुनाव में। Right, joining us is my colleague Lalit Parihar. He's from Jodhpur. Lalit, over to you. What can you tell our viewers about CM Gehlot filing his nomination and a subsequent statement to the media? जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभी अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत किया है। जोधपुर के कचहरी परिसर में रिटर्निंग ऑफिसर के सामने उन्होंने अपना नॉमिनेशन दिया है। उनके साथ उनकी पत्नी सुनीता, उनके पुत्र जो आरसीए चेयरमैन है वैभव गहलोत, और उनका भांजा जो कि कुछ कामकाज में उनका सहयोगी भी है जसवंत सिंह कछवाहा, ये लोग उनके साथ थे। मुख्यमंत्री ने अपना नॉमिनेशन करने के बाद मीडिया से भी बात की। मुख्यमंत्री ने पूरी तरह से ये कहा कि सरकार रिपीट होने जा रही है, पहली बार ऐसा हो रहा है। जो कामकाज किए मुख्यमंत्री ने उसके अलावा जो खासतौर से उनकी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं शिक्षा के क्षेत्र में, जो चिकित्सा के क्षेत्र में, उनके साथ ही जो 7 और गारंटी उन्होंने नई दी है जिसमें 500 रुपए में सिलेंडर देना, अंग्रेजी माध्यम स्कूल, सरकारी स्कूल अंग्रेजी माध्यम की उपलब्ध करवाना, तो इन गारंटियों को कहते हुए उनका ये दावा है कि सरकार इस बार राजस्थान में रिपीट होगी। जो ट्रेंड रहा है अब तक एक बीजेपी की सरकार और एक कांग्रेस की सरकार वाला, वो ट्रेंड अब खत्म हो जाएगा और इस बार ट्रेंड बदलेगा, कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। मुख्यमंत्री अपने गृहनगर जोधपुर में कल ही पहुंच गए थे। कल करीब 4:45 बजे जोधपुर पहुंचने के बाद उन्होंने जो भी कांग्रेस के प्रमुख नेता हैं, जो टिकट तारती हैं, उनको बात की, उनसे जो कुछ असंतोष है उन असंतोष जो लोग हैं उनको बुलाया, उन तक मैसेज पहुंचाया, बात की, और इसके बाद में ऐसी उम्मीद है कि लगभग ज्यादातर लोगों को उन्होंने मना लिया है। जो लोगों को थोड़ी बहुत नाराजगी दिखती थी वो नाराजगी
अब नहीं रहेगी, इसका पता आने वाले दिनों में लग जाएगा। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.